सौदा आपका में मेरे साथ जुड़ रहे हैं एंजल ब्रोकिंग के टेक्निकल एनालिस्ट समित चौहान। समित, गुड मॉर्निंग। अब बताइए एक्सपायरी के आप क्या लेवल्स देख रहे हैं? दो दिन से बाजार जो है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अच्छे मूड में नजर आ रहा है। फिलहाल 7972 पे निफ्टी में निफ्टी है, आपकी सलाह? गुड मॉर्निंग प्रियंका। देखिए, ये पूरा सीरीज हमने एक कंसोलिडेशन देखा है, एक 200-250 पॉइंट के रेंज में निफ्टी ट्रेड हो रहा था। बट ये कमिंग मंडे जो मंडे था, तभी हमने देखा कि एक फिबोना की टाइम सीरीज के चलते निफ्टी एक नए टाइम जोन में एंटर कर रहा था और वो पॉसिबल एक रिवर्स जोन हो सकता था। हम ट्यूजडे को एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट हमने कल ये शानदार तेजी देखी है। नियरली 2-2.5% मूवमेंट निफ्टी में एक दिन में देखी गई है, जो पूरे सीरीज में हम नहीं देख रहे थे। तो मोमेंटम काफी अच्छा है और आज भी हम देख रहे हैं थोड़ा फॉलो अप बाइंग हो रहा है। डेरिवेटिव एक्सपायरी सीरीज भी है, अगर हम डेरिवेटिव स्टैट वाइज भी देखें तो 8,000 का एक मेजर हर्डल होगा। बट सुनो, लेटर हमें लग रहा है कि 8,000 का लेवल टूट जाएगा। वो आज टूटेगा कि नहीं, वो थोड़ा मोमेंटम पे प्ले करेगा, तो देखना पड़ेगा 8,000 का लेवल आज कैसे ब्रेक होता है। अगर आज इंट्राडे में वो ब्रेक कर पाया और निफ्टी सस्टेन कर पाया उसके ऊपर, तो हम एक इमिडिएटली 50-60 पॉइंट की तेजी देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ट्रेडर्स को अभी 8,000 का लेवल क्लोजली ट्रैक करना पड़ेगा और इंट्राडे के बेसिस पे अभी 7950 से लेकर 7930 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है। ओके, सो और इसी के साथ वक्त हो गया है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम समझने वाले हैं स्मॉल कैप कॉर्नर का एक्शन पूजा त्रिपाठी के साथ। वक्त है स्मॉल कैप कॉर्नर का एक्शन समझने के लिए, चलते हैं पूजा के पास जो बताएंगी कौन से वो छोटे शेयर जो लगा रहे हैं ऊंची छलांग। जी, एक्सपायरी के दिन में आज अक्रॉस द मार्केट काफी ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है। स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो इस वक्त हरे निशान में कारोबार कर रहा है, 0.5% की मजबूती इंडेक्स में देखने को मिल रही है। अच्छे नतीजों की वजह से आज काफी सारे शेयरों में काफी ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है। डिनोरा इंडिया काफी अच्छे नतीजे आए, कंपनी के मुनाफे में 80% की बढ़त देखने को मिली है, 15% की तेजी स्टॉक में। और इंडोटेक के भी नतीजे काफी अच्छे आए हैं, 20% का सर्किट लगाए स्टॉक में। और फिनोटेक्स केमिकल्स, यहाँ पर भी अच्छे नतीजे, 7% की मजबूती इस काउंटर में। इसके अलावा कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि कमजोर नतीजे की वजह से काफी कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। ग्लोबल वेक्ट्रा, जीनस पावर, सारेगामा, इन तीनों के ही नतीजे काफी कमजोर आए हैं, 2-10% की कमजोरी इन तमाम काउंटर्स में देखने को मिल रही है। कुछ स्मॉल कैप गेनर्स की बात करें तो शारदा क्रॉप कैप, यहाँ पर भी 20% का सर्किट टच किया स्टॉक ने। जिंदल फोटो, यहाँ पर सर्किट रिविजन देखने को मिला है, 20% तक की तेजी इस काउंटर में देखने को मिली थी। और हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस, ये काउंटर भी 9% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। कुछ और स्मॉल कैप लूजर्स की बात करें तो शेयर्स इंडस्ट्रीज, कंपनी के जब से नतीजे आए हैं लगातार कमजोरी देखने को मिल रही है, आज भी करीब 5% की कमजोरी के साथ ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। उसके अलावा ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स भी आज काफी ज्यादा हलचल में हैं, सभी में तेजी देखने को मिल रही है। सुब्रोस, ल्यूमैक्स ऑटो, उकल फ्यूल, इन सभी में करीब 5-7% की मजबूती देखने को मिल रही है। इसी के साथ सौदा आपका में वक्त है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद एफएनओ बाजार में बनाइए स्ट्रेटजी हमारे खास शो ट्रेडर्स हॉटलाइन में आगे। सरकार के 2 साल कितना काम हुआ, कितना काम बाकी। सीएनबीसी आवास पर खुद रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे मोदी सरकार के बड़े मंत्री 26 मई को दिन भर। एक्सपायरी के दिन बाजार में तेजी बरकरार, सेंसेक्स निफ्टी में 0.5% की बढ़त, ग्लोबल मार्केट्स की मजबूती से मिला सहारा। एलएनटी के अच्छे नतीजों और बड़े ब्रोकरेज हाउस के अपग्रेड के बाद शेयर 10% चढ़ा, लेकिन कमजोर नतीजों से थर्मेक्स और क्यूमिंस फिसले।
$50 के स्तर पर पहुंचा कच्चा तेल, फरवरी के निचले स्तरों से 85% की अब तक शानदार रिकवरी। शानदार नतीजों के दम पर गेल में बढ़त, लेकिन EIL कंटेनर कॉरपोरेशन और HCL इंफोसिस्टम्स के शेयरों पर दबाव। और नतीजों से पहले आज ONGC का शेयर मजबूत, BPCL, पावर ग्रिड, जेट एयरवेज, यूनाइटेड स्प्रिट समेत 200 से ज्यादा कंपनियों के नतीजे आज ही। नमस्कार, ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघवी और हमारा शो है आप जैसे उन तमाम ट्रेडर्स के लिए जिन्हें आज एक्सपायरी के दिन अपने सोनों पर राय लेनी है। सौदे रखे, काटे, रोल ओवर करें, क्या ट्रेड ले, नया या फिर हो पुराना। फोन करें हमारे टोल फ्री नंबर पर 1-800-209-7890 और साथ ही व्हाट्सएप मैसेज भेजने की भी सुविधा है। अब आप भेज सकते हैं हमें 7045-22-0000, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर आप मैसेज भेजें, हम आपके सवालों को शामिल करेंगे हमारे कार्यक्रम में। और आज आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, तकनीकी तौर पर राय देने के लिए हमारे साथ हैं समित चौहान, एंजल ब्रोकिंग के, लेकिन साथ ही अब वायदा कारोबार की रणनीति देने के लिए A+ एनालिटिक्स के चीफ टेक्निकल एक्सपर्ट अमित हर्चेकर भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। अमित और समित दोनों का ही स्वागत है आपका इस वक्त CNBC आवाज पर। इससे पहले कि आगे बढ़े हम दर्शकों के सवाल लें, अमित एक बार आपसे राय ले ली जाए निफ्टी और बैंक निफ्टी पर, क्या खरीदा जाए इन लेवल्स पर भी? देखिए, अगर आप मोमेंटम के हिसाब से ट्रेड करना चाहते हो निफ्टी में, तो आपको करंट मंथ फ्यूचर्स 7995 के ऊपर ही लॉन्ग करना है, जिससे कि आपको शॉर्ट कवरिंग के चांसेस काफ़ी ब्राइट हो जाएंगे। एंड जो निफ्टी के जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 7995 के बाद, वो सीधा 8100 पे आता है, तो 7995 के ऊपर ही आप निफ्टी फ्यूचर्स में लॉन्ग इनिशिएट करें। आपका स्टॉप लॉस उसके बाद रखना चाहिए 7940 इंट्राडे बेसिस पे। ओके, 7995 के ऊपर खरीदें और इस वक्त चल रहा है 7980, यानी कि यहाँ से 15 पॉइंट ऊपर निकलेंगे। एक चीज़ बता दूँ इससे पहले कि आज ये दिन का हाई लेवल है निफ्टी का, जहाँ पर इस वक्त बाजार लौटा है 7980 का, ये फ्यूचर्स में। हालांकि कैश में हमने सुबह सुबह 7986 का हाई बनाया, उससे 5-6 पॉइंट नीचे, लेकिन फ्यूचर्स में जो हाई है वो यही है जिस पर इस वक्त हम ट्रेड करें। तो चलिए, अमित कह रहे हैं यहाँ से 15 पॉइंट और ऊपर निकल जाने दें, 7995 को क्रॉस कर लेने दें, उसके बाद खरीदें निफ्टी, तब आपका स्टॉप लॉस होगा 45 पॉइंट नीचे 7940 के आसपास, 8100 उनका लक्ष्य। तो उस लेवल पर कहीं कहीं शायद अमित एक ब्रेकआउट की इंतजार कर रहे हैं। और बैंक निफ्टी, अमित देखिए, बैंक निफ्टी का ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है, उसमें हमारी सलाह होगी कि 17100 के बाद आप इसका फ्यूचर्स बाय करें, क्योंकि जो जिस हिसाब से एक महीने का ट्रायंगल कंसोलिडेशन हुआ है, आपको सीधे तौर से उसका टारगेट 17600 से 17800 बनता है, जो कि अगले कुछ दिनों में आ सकता है। तो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से 17100 के ऊपर आप बाय करें, आपका स्टॉप लॉस होगा 16800 और 17600 से 17800 तक आप रैली देख सकते हैं। ओके, ये है राय इस वक्त आपकी बैंक निफ्टी पर, खरीदारी करें 17100 के ऊपर और फ्यूचर्स इस वक्त चल रहे हैं 17068 के आसपास। यहाँ से भी 31 पॉइंट और ऊपर बढ़ जाए तो निफ्टी 15 पॉइंट बढ़े और बैंक निफ्टी 30 पॉइंट बढ़े ऊपर जाए, उसके बाद खरीदारी कीजिए, स्टॉप लॉस लगाइएगा 16800 के आसपास। 17600 बेहद एग्रेसिव, 500 पॉइंट ऊपर के लक्ष्य आ रहे हैं, एक बड़ा ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है, लग भी रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी लगातार 17000-17025 की रेंज में अटकता हुआ दिखा, लेकिन अब आप देखिए आज बैंक निफ्टी में उस लेवल के पार निकलकर अच्छी मजबूती आती दिख रही है। वापस जो बाजार मजबूत हुआ है उसमें पूरी क्रेडिट बैंक निफ्टी को जाती है, वहीं से मजबूती आती हुई दिख रही है। अगर बैंक निफ्टी मजबूत रहेगा तो निफ्टी भी 8000 की तरफ बढ़ता आपको नजर आए। दिन के हाई पॉइंट पर इस वक्त निफ्टी फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं। चलिए दर्शकों को शामिल करते हैं, पहले दर्शक हमारे साथ हैं इस वक्त चंडीगढ़ से, SR ठाकुर। ठाकुर साहब नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर। जी सर, मैंने भारत फोर्ज का जून फ्यूचर का एक लॉट लिया हुआ है। ओके, 726 से 726 में, अगले महीने का ही खरीदा है ना आपने? हाँ जी, हाँ जी, जून से। चलिए परफेक्ट, पूछ लेते हैं। समित, चार्ट देखकर बताएं इन्हें क्या करना चाहिए, मुनाफे में है, 726 में खरीदा है जून फ्यूचर और 747, लगभग 20 रुपए का मुनाफा बन रहा है, इनके लिए एक तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और अगर होल्ड करना है तो ऊपर का लक्ष्य।
देखिए भारत फोर्ज में एक अच्छे खासे करेक्शन के बाद लास्ट 3 दिन से हम थोड़ा बहुत इसमें रिकवरी देख रहे हैं। मोमेंटम अच्छा है, थोड़ा वॉल्यूम के साथ इसमें लास्ट 2 दिन में रिकवरी आई हुई है, तो ये मोमेंटम और एक्सटेंड होगा। 760 का उसका एक नेक्स्ट हर्डल होगा अगर ये जून सीरीज की बात करें तो वहाँ तक तो एटलीस्ट इनको होल्ड करना चाहिए। और इन केस अगर मोमेंटम सस्टेन रहता है और ये 760 का सर भी सरपास कर पाता है तो ये डेफिनेटली इनके स्टॉप लॉसेस और ट्रेल कर करके ये मोमेंटम प्ले कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ इनको 734 के नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। फर्स्ट टारगेट 760 और अगर वो ब्रेक होता है तो अराउंड 775-780 के लेवल्स के लिए होल्ड कर सकते हैं। ओके, ये राय इस वक्त है आपके लिए भारत फोर्ज पर। लेवल्स ठाकुर साहब आपने नोट कर लिए होंगे, उन पर नजर जरूर रखें। चलिए अगले दर्शक दिल्ली से हैं इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर, दीपक। दीपक जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर जी। सर अशोक लेलैंड का मैंने एक 100 स्ट्राइक प्राइस का शॉर्ट कर रखा है 1 रुपए पर। क्या पुट शॉर्ट कर रखा है, कॉल शॉर्ट कर रखा है? पुट शॉर्ट कर रखा है 1 रुपए में आपने 100 रुपए के स्ट्राइक प्राइस का अशोक लेलैंड का, यानी कि आपने बनाई है तेजी की पोजीशन, बराबर है जी, जी। और भाव हो गया है 1 रुपए 65 पैसे, आपको है नुकसान 65 पैसे का इस वक्त, ठीक है ना। चलिए आज है आखिरी दिन, अमित क्या करना चाहिए इन्हें? अशोक लेलैंड का पुट शॉर्ट है इनका 100 रुपए की प्राइस का। देखिए हमें लग रहा है एक्सपायरी तक ये स्टॉक अराउंड 97.5 तक जाके स्टेबलाइज होगा, तो हमारी सलाह यही है इस भाव पे काट ले, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग पोजीशन जो क्रिएट हुई थी अराउंड 101 से 103 के बीच में, उसमें ऑलरेडी अनवाइंडिंग प्रेशर आ रहा है। एंड इसमें अगर वीवैप सेलिंग लास्ट 1 घंटे में आता है तो स्टॉक 96-97 जाने के ज़्यादा चांसेस बनते हैं। ओके, तो कमज़ोर रहेगा और ऐसे में शॉर्ट करके आपने जो तेजी की पोजिशन बनाई उसमें नुकसान बढ़ सकता है। तो दीपक जी पोजीशन थोड़ी सी कवर कर लेने में समझदारी या फिर एक स्टॉप लॉस जरूर लगा कर रखें आप। मुंबई के पास ही भिवंडी से हमारे अगले दर्शक है लालचंद इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। लालचंद जी बताइए नमस्कार, क्या ट्रेड लिया है आपने? नमस्कार सर, मेरा एक अरविंद का एक लॉट शॉर्ट है। कौन सा? अरविंद मिल। अच्छा अरविंद मिल आपने शॉर्ट किया, क्या भाव में? 299.85 में। 299.85 मई का है ना? हाँ भाई, क्या इसको रोल ओवर कर सकते हैं क्या? पूछ लेते हैं अभी रोल ओवर किया जाए या नहीं। समित बताएं चार्ट्स देखकर, 299.85 का इन्होंने शॉर्ट किया, इनके भाव से है लगभग लगभग 12-13 रुपए ऊपर, नुकसान में है। पहले तो ये कि शॉर्ट रोल ओवर करें क्या, और करें तो फिर स्टॉप लॉस टारगेट क्या अरविंद में होना चाहिए इनका? नहीं जी, लास्ट 2-2.5 वीक से हम इस पे पॉजिटिव बायस हमारा मेंटेन कर रहे हैं। 294 से हमारा एक बाय कॉल भी अभी तक इंटैक्ट है। 316-318 के इमीडिएट टारगेट्स है, बट जैसे ये चार्ट स्ट्रक्चर अभी दिख रहा है और कल की जो मूव आई है विथ वॉल्यूम्स, तो ये मूवमेंट और एक्सटेंड होगा, तो मैं डेफिनेटली इनका शॉर्ट है वो इनको कैरी फॉरवर्ड करने की सलाह नहीं दूंगा। अच्छा, तो शॉर्ट कैरी ना करें, यहाँ पर नुकसान बुक कर ले, आपके लिए ये राय है। अरविंद मजबूत दिख रहा है, शॉर्ट पोजीशन आपकी थोड़ी गलत बन गई है और नुकसान भी हो रहा है। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से हमारे साथ हैं इस वक्त प्रशांत सिंह। प्रशांत जी गुड मॉर्निंग, बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर मैंने रिलायंस इंफ्रा का एक 500 रुपए का पुट लिया हुआ है। हाँ। 30 रुपए में। ओके, तो ये तो इसी महीने का है? जी सर, मई का सर। ठीक है, और कोई ट्रेड? सर एक टाटा स्टील और बैंक ऑफ बड़ौदा पे मैं चाह रहा था जून फ्यूचर के लिए। टाटा स्टील और बैंक ऑफ बड़ौदा, क्या करना है आपको? सर जून सीरीज में कोई पुट या कॉल क्या करूँ इसमें? अच्छा, जून सीरीज में खरीदना चाहते हैं आप? जी सर। चलिए पूछ लेते हैं अमित, पहले तो इनको रिलायंस इंफ्रा पर राय दें। इस महीने का इन्होंने 3.30 रुपए में पुट खरीदा हुआ है रिलायंस इंफ्रा का, चूंकि भाव तो ऊपर है और इस पुट का दाम घटकर रह गया है 25 पैसा। 25 पैसा ले आप, पड़ा रहने दें, आज आखिरी दिन तो है। देखिए स्टॉक का तो शॉर्ट टर्म मूव है, इसमें रिट्रेसमेंट की गुंजाइश है अराउंड 525 तक, तो आई थिंक 25 पैसा का तो रिस्क ये ले ही सकते हैं, क्योंकि 25 पैसे में काटेंगे तो ब्रोकरेज ही जाएगा, तो होल्ड करें, लेट्स होप कि अगर इसमें फॉल आता है तो। ओके, इंतजार कर लें सर, 25 पैसा लेके भी ज़्यादा फायदा नहीं। अच्छा दूसरा ये कि अमिता आपसे पूछना चाहता हूँ, टाटा स्टील या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा, दोनों में से कोई भी फ्यूचर्स ये ट्रेड करना चाहते हैं जून सीरीज के लिए, तो किस तरफ ट्रेड किया जाए?
देखिए टाटा स्टील में हम पुल बैक का वेट कर रहे हैं अराउंड 332 का। अगर वो उस लेवल पे आता है तो टाटा स्टील एक अच्छी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। बैंक ऑफ बड़ौदा का जो डेटा दिखाई दे रहा है कि पिछले कुछ दिनों में 132.5 टू 133.5 के बीच में लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट हुई है, लेकिन हिस्टोरिकल हमें यही दिखाई दे रहा है कि ये जो लॉन्ग पोजीशंस कभी भी पीएसयू बैंक में बनी है उनमें ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग जल्दी आई है, इसी कारण उसमें अनवाइंडिंग प्रेशर जल्दी आता है। इसी कारण बैंक ऑफ बड़ौदा में हमें लग रहा है कि 132 लेवल टूटा तो जो लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट हुई है उनमें काफ़ी अनवाइंडिंग दिखाई देगा एंड स्टॉक में ऑलमोस्ट 6-7% की गिरावट आएगी। तो हम सलाह यही दे रहे हैं कि 132 अगर जून फ्यूचर्स टूटे तो आप इसमें शॉर्ट इनिशिएट करें विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 137। स्टॉक फिर से 120 से 121 के लेवल तक फिसल सकता है जो कि टाइम फ्रेम 5-6 दिन में आ सकता है। अच्छा, एक्चुअली मैं आप जब बता रहे थे तो मैं देख ही रहा था आपकी टॉप ट्रेडिंग पिक्स में, जो कि जनरली मैं अगले सेगमेंट में लेता हूं, देख रहा था बैंक ऑफ बड़ौदा शॉर्ट करने की राय अमित की। तो प्रशांत जी, आपके लिए एक तो बिल्कुल साफ राय है बैंक ऑफ बड़ौदा पर और वो शॉर्ट करने की, 132 का लेवल टूटा जून फ्यूचर में तो शॉर्ट कर दीजिए इसको, और लक्ष्य होगा 122 का 137 के स्टॉप लॉस के साथ में, तो ये आप लेवल जरूर ध्यान में रख लें। ये अमित की टॉप ट्रेडिंग पिक में भी है तो ऐसे में उनका कॉन्फिडेंस लेवल इस स्टॉक पर ज़्यादा है बिकवाली की तरफ। आइए बिहार चलेंगे, पटना से हमारे साथ अगले दर्शक अरविंद कुमार है इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर। अरविंद जी नमस्कार, बताइए। नमस्कार सर, कौन से स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं? सर ये स्ट्राइड एक्रो लैब, इसके मई सीरीज के 1050 के कॉल लिया हुआ 1100 पे और 1100 का कॉल 36 रुपए पे। 1050 का कॉल तो आपने खरीदा 1100 रुपए में और 1100 वाला भी लिया है? हाँ 36 पे। ये क्या रिजल्ट के पहले लिए थे आपने? कैसे? रिजल्ट आने के पहले लिए थे क्या? हाँ, हाँ, ओके, चलिए 1050 वाला 11 का कॉल तो थोड़ा आपके मुनाफे में 18 रुपए यानी 7 रुपए यहाँ बन रहे हैं, लेकिन 1100 वाला कॉल का भाव देख लेते हैं, ये घट गया है। अब ये बचा है सिर्फ 1 रुपया और आज है एक्सपायरी का दिन, भाव चल रहा है 1060-70 के आसपास। तो अमित बताएं इनको क्या किया जाए, ये दोनों ही कॉल्स हैं इनके पास में 1050 का और 1100 का स्ट्राइड शासन का। देखिए यहाँ पे एक निकल जाने की सलाह होगी क्योंकि जिस हिसाब से लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ है काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि ये स्टॉक अराउंड 1040 टू 1045 तक एक्सपायर हो। 1075 का जो लेवल है टूटना काफ़ी मुश्किल दिखाई दे रहा है, तो इनमें एक कॉल में इनको प्रॉफिट हो रहा है तो इस लेवल पे निकल जाए। अरविंद जी आपको एक फॉर्मूला देता हूँ ऑप्शन में ट्रेड करने का। देखिए कोई भी सीरीज में जनरली 4 हफ्ते होते हैं बाजार, ठीक है ना, किसी किसी में 5 या 5 छोड़ दिए, एक बार मानकर चलें कि 4 हफ्ते होते हैं। तो शुरुआत में जब भी आप पुट या कॉल कोई भी ऑप्शन खरीदें तो पहले 3 हफ्तों में खत्म कर दें उसको, आखिरी हफ्ते के लिए ना रखें क्योंकि आखिरी हफ्ते में प्रीमियम बहुत तेजी से गिरती है तो उसमें मुनाफा बनाना कॉल और पुट खरीदकर मुश्किल काम है। अगर नया ऑप्शन खरीदना है तो फिर आखिरी हफ्ते में अलग से खरीदिए क्योंकि उस समय आपको प्रीमियम कम देनी पड़ेगी और एक्सपायरी के हफ्ते में अगर बड़ा उतार चढ़ाव हो गया तो उसका फायदा आपको मिल जाएगा। पहले खरीद लिए तो फिर उसको आखिरी हफ्ते तक के लिए होल्ड ना करें, वहीं खत्म करें निकल जाए क्योंकि पहले जब आपने खरीदा जनरली आप होल्ड तब करते जब आप नुकसान में, नुकसान में तो फिर आपके लेवल आखिरी हफ्ते में आने की संभावनाएं कम हो जाती। तो ये जो भी हमारे दर्शक ऑप्शन में ट्रेड करते हैं उन्हें ये ध्यान में रखना चाहिए कि शुरुआत के 3 हफ्तों में अपने ऑप्शन खत्म कर दें और आखिरी हफ्ते में ट्रेड करने का ये तरीका फिर सस्ते ऑप्शन देख के जहाँ रिस्क कम है और अगर बड़ा मूव आया ऊपर या नीचे की तरफ तो मुनाफा बन सकता है तो वो सस्ते ऑप्शन आपको बाद में ढूंढने चाहिए। चलिए ये आप ध्यान में रखें। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का और ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे हमारे दोनों एक्सपर्ट्स के पास आपके लिए कुछ बेहतरीन ट्रेडिंग पिक्स है। बैंक ऑफ बड़ौदा शॉर्ट करने की राय तो अमित हरचक्कर ने दी लेकिन कुछ स्टॉक उनके पास में है जहाँ खरीदारी का मौका है, कुछ स्टॉक समेत खरीदारी करवाना चाहते हैं आपको। कौन से स्टॉक्स हैं क्या लेवल से बताऊंगा मैं आपको इस ब्रेक के बाद। दोनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं अमित हरचक्कर और समित चव्हाण, लेते हैं उनकी बेहतरीन पिक्स और समित ने चुना है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को खरीदारी करने के लिए, बताएं समित। देखिए ऑफ लेट क्लियरली हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट से ये हमारा प्रेफर्ड पिक रहा है।
हालांकि वीकली चार्ट पे ये कंसर्ट हो रहा है, बट लुकिंग एट दी ओवरऑल ब्रॉडर चार्ट स्ट्रक्चर हमें लग रहा है कि ये स्टॉक आउट परफॉर्म करेगा ये पूरे सेगमेंट में, और इसके चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छे हैं। हर एक डिप में इसमें बाइंग की सलाह हमारी रही है, तो वही हम मेंटेन करेंगे। अभी भी अगर देखें तो मोमेंटम अच्छा है, कल अच्छी रिकवरी दी है, तो 680 के स्टॉप लॉस से इसको बाय किया जा सकता है, 740-750 ये टारगेट्स होंगे। ओके, ये है राय समित की इस वक्त इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को खरीदने के लिए 740। ये लक्ष्य जो आप दे रहे हैं ये कैश मार्केट के माने जाए समित? जी हाँ जी, ये कैश सेगमेंट के लेवल है। चलिए, कैश सेगमेंट के लेवल है और आपको खरीदना है जून फ्यूचर, तो जो भी प्रीमियम हो या डिस्काउंट हो, ज्यादातर चांस प्रीमियम होने के ही होते हैं, तो प्रीमियम जितनी भी हो उस लिहाज से आप अपने लेवल्स स्टॉप लॉस और टारगेट के एडजस्ट करते हुए चले। कैश के लेवल्स हैं ये समित की लिस्ट में। अगला स्टॉक मैं लूंगा अमित से, और अमित ने बैंक ऑफ बड़ौदा तो बिकवाली की राय दी थी, लेकिन एक दूसरा बैंक है जो वो खरीदना चाहते हैं और वो है HDFC बैंक। बताएं अमित। देखिए, जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया है कि हमें लग रहा है कि बैंक निफ्टी में यहाँ से एटलीस्ट 5% की रैली एक्सपेक्टेड है, क्योंकि HDFC बैंक सबसे ज़्यादा वेटेज होल्ड करता है बैंक निफ्टी में। हम इस स्टॉक को रिकमेंड कर रहे हैं, स्टॉक ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन इसमें जो वोलेटिलिटी है वो कंपैरेटिवली कम है बाकी बैंक से। हमारी राय ये होगी कि आप जून फ्यूचर्स इस लेवल पे खरीदें, आपका स्टॉप लॉस 1150 का रखना चाहिए, एंड जो हमारा लक्ष्य है अराउंड 1225 से 1250, जो कि अगले 3-4 दिन में आना चाहिए। ओके, तो HDFC बैंक खरीद के चले 1225 के लक्ष्य के लिए, और ये जो लेवल्स हैं वो जून महीने के फ्यूचर्स के, ये ध्यान में आप रखें। अगला स्टॉक जो चुना है समित ने खरीदारी के लिए वो है सीमेंस। बताएं क्या टारगेट्स हैं इसके? देखिए अनिल जी, अगर मंथली चार्ट पे देखें तो जायंट उजम 15 में ये जो इसने एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया था अराउंड 960-970, रिसेंटली जो करेक्शन आया था इसमें, वहीं से स्टॉक ने एक अच्छा खासा सपोर्ट लेके रिबाउंड दिया है। डेली चार्ट पे ये अच्छे खासा हैट ऑफ हायर बॉटम में ट्रेड हो रहा है, कंसोलिडेशन से बाहर आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं। कल मोमेंटम अच्छा था तो हमें लग रहा है ये मूवमेंट और एक्सटेंड होगा, 1135 का इसका एक स्टॉप लॉस होगा और इमीडिएट टारगेट 1210-1220 का होगा। परफेक्ट, तो सीमेंस खरीदें आप और कैश के लिहाज से लक्ष्य रखें 1210 का। आखिरी पिक ले लूं मैं अमित हरचेकर से, और उन्होंने हीरो मोटोकॉर्प को चुना है खरीदारी करने के लिए। बताएं इन लेवल्स पे खरीदा जाए? देखिए, ये पहले तो ये हाई रिस्क कॉल है क्योंकि हम सिर्फ पुल बैक के लिए खेल रहे हैं, ना कि एक बुल मार्केट अप मूव के लिए। इनमें हमारी सलाह होगी कि आप जून फ्यूचर्स 2975 के ऊपर खरीदें, आपका जो स्टॉप लॉस है वो 2900 का रखें। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्टॉक में एटलीस्ट 80% की रिट्रेसमेंट आएगी, ये जो जिस हिसाब से गिरावट आई है, और हमारा जो लक्ष्य अराउंड 3100-3120 है, वहाँ पे आप निकल जाए। ओके, तो ये है हीरो मोटोकॉर्प में एक पुलबैक के लिए तेजी करने की राय। जून का फ्यूचर खरीदे 2975 के पार निकलने के बाद, और इस वक्त चल रहा है 2950, 25 रुपए और बढ़ जाए तो फिर चार्ट्स पर थोड़े संकेत आएंगे ब्रेकआउट के। खरीद के चलें, ऊपर की तरफ के लिए लक्ष्य आपका बनेगा 3120 का। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद लौटेंगे हम आपके लिए, लेकर आएंगे एक तो ऑप्शंस की रणनीति और दूसरा हमारे दर्शकों के लेंगे सवाल इस ब्रेक के बाद। क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बढ़ चुका है, नेकेड ऑप्शन कॉल्स इतनी प्रॉफिटेबल नहीं होगी, इसलिए हम ऑप्शन स्प्रेड, ऑप्शन रेशियो स्प्रेड सजेस्ट कर रहे हैं। इसमें आपको 8100 का एक लॉट ऑप्शन खरीदना है, एंड साइमल्टेनियसली दो कॉल आपको 8300 के सेल करने हैं, जिससे कि आपका जो प्रीमियम है वो इस लेवल पे 18 से 24 के बीच में बैठेगा। इस प्रीमियम को आपको स्टॉप लॉस लगाना है 8 रुपये क्लोजिंग बेसिस पे, और जो इस प्रीमियम का जो लक्ष्य है हमारा 70-75, जो कि हमारा अंदाजा है अगले 10 दिन में आना चाहिए। ओके, अगले 10 दिनों में आपको मिल सकता है ऑप्शंस का ये लेवल, उस लिहाज से आप बनाएं रणनीति। एक लॉट निफ्टी का 8100 का खरीदें और दो लॉट बेचें 8300 के, ये है ऑप्शंस की रणनीति, लेकिन अगली सीरीज के लिए ये ध्यान में आप जरूर रखें। शुक्रिया अमित हरचेकर आपका, और साथ ही समित चौहान आपका भी हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, और बाजार टिके हुए हैं मजबूती के साथ, वक्त एक ब्रेक का। लेकिन ब्रेक के में जाने से पहले प्रियंका संभव हमारे साथ जुड़ चुकी है अगला शो लेकर। बताइए प्रियंका, क्या होगा आपके शो में?
स्टॉक्स फटाफट होगा, जिसमें हमारे मार्केट एक्सपर्ट फटाफट सलाह देंगे क्या करना चाहिए आपको अपने स्टॉक में. और मौसम है अर्निंग्स का, तो बोर्डरूम में बात होगी उज्जीवन फाइनेंस के मैनेजमेंट से.